तो दोस्तों, इस समय सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 बहुत ज्यादा चर्चा में है और साथ ही लोग ये जानना चाहते हैं कि भाईजान ने इस फिल्म में कौन से झंडे उखाड़े हैं। वैसे अगर हम उखाड़ने की बात करें तो भाईजान ने इंडस्ट्री में कईयों को उखाड़ा भी है। हालांकि अगर हम बात करें इनकी कलेक्शन की, मिंट के मुताबिक अब तक इस फिल्म ने 102 करोड़ रुपए कमाया है। हालांकि इस कलेक्शन को लेकर भी विवाद चल रहा है क्योंकि यह सलमान खान की फिल्म है। सोशल मीडिया में भले इसको लेकर कई सारे बातें सुनने को मिल रहा है कि यह फिल्म बहुत ही जबरदस्त है, कई सारे थिएटरों में फैंस ने पटाखे भी जलाए हैं और ये सभी खबर सुनने को मिलेगा कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। लेकिन आपको ये खबर कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि शहरों के ऐसे कई सारे थिएटर है जहां पर इस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा लोग पहुंचे ही नहीं है। हालांकि सलमान खान की फिल्म है, इसी बात की ज्यादातर हाइप चल रही है और इसी के चलते कई सारे मीडिया और फैंस को आप उछालते कूदते हुए भी देखेंगे, जहां पर वो सलमान खान की इस फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। और यही सब कुछ हमने इससे पहले भी देखा है, किसी का भाई किसी के जान के टाइम पर भी और उससे पहले भी सलमान खान के कई सारे फ्लॉप फिल्मों के टाइम पर भी। हालांकि टाइगर 3 को लेकर ऐसा लगता है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और इसके पीछे कई सारे वजह भी है क्योंकि हमारे SRK ने भी इस फिल्म में कैमियो किया है और साथ ही हमारे दिल के अंदर से भी ये गट फीलिंग आ रही है कि ये फिल्म चल जाएगा। और साथ ही इस फिल्म की पहले दिन की कलेक्शन 44 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जबकि कई सारे क्रिटिक्स का कहना है कि इस फिल्म ने पहले दिन 15 करोड़ रुपए कमाया है, दूसरे दिन इस फिल्म ने 57 करोड़ रुपए कमाया है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो बताया जा रहा है कि ये फिल्म 200 करोड़ के करीब जा रहा है। सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर 3 को दिवाली के टाइम पर रिलीज किया है, जिसके हिसाब से कई लोगों का ये कहना है कि सलमान खान ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक किया है क्योंकि अगर ये फिल्म दिवाली के टाइम पर रिलीज ना होती तो कलेक्शन थोड़ा और ऊपर जाता या जा सकता था। और अगर आप सलमान खान के फैन है तो शायद आपको ये फिल्म डेफिनेटली अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप सलमान खान के फैन नहीं बल्कि मूवीज के शौकीन है और अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए सिर्फ एक टाइम पास ही रहेगा और इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन मुझसे अलग हो सकता है। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।